1 नवंबर जिस दिन बॉलीवुड की दो बड़ी मूवी रिलीज हुई, पहली अजय देवगन की सिंघम रियान तो दूसरी कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3, और फाइनली मैंने दोनों मूवी देख ली। और देखने के बाद मुझे लगा कि ये सिंघम अगेन नहीं, ये विमल अगेन है, भूल भुलैया 3 नहीं, ये लेस्बियन 3 है। वैसे मैंने टाइटल रखा है कि इन दोनों में से सुपर हिट कौन, बट टाइटल होना क्या चाहिए था, इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्रिंज कौन। इन दोनों मूवी में एक चीज बड़ा कॉमन है, चूतिया जो ऑडियंस को बनाया जा रहा है। बिग बॉस के इतने बड़े शो पे रोहित शेट्टी ने साफ साफ रिवील किया कि चुलबुल पांडे का सिंघम अगेन में कैमियो होगा। क्या इसे कहते हैं कैमियो? देखो, कार्तिक आर्यन ने भी भूल भुलैया 3 में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये वाला पैटर्न अपनाने की कोशिश करी है। और स्लोगन क्या, असली मंजुलिका कौन है? क्या जिसे देखो यही पूछ रहा है मंजुलिका कौन है, मंजुलिका कौन है? और कार्तिक आर्यन भी सोच रहे होंगे कि ये स्लोगन वायरल करके ऑडियंस को थिएटर के लिए मजबूर करेंगे, और भाई मजबूर कर भी लिया है, ऑडियंस थिएटर तक गई भी। लेकिन किसने ऑडियंस का सबसे ज्यादा काटा है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसके साथ ही मैं इन दोनों मूवी की पॉजिटिव चीजें भी बताऊंगा, आखिर ये दोनों मूवी कहां से सुपरहिट थी और कहां से क्रिंज, वो सब आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, भाई नए ही होगे, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे दबाओ और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। क्या कहे ब्रो, यहाँ तो दोनों ही है ब्रो। देखो सबसे पहले आते हैं भूल भुलैया 3 के स्टोरी पे, तो भाई इसकी स्टोरी काफी यूनिक है, काश ऐसा मैं बोल पाता। आप भी जानते हो भूल भुलैया जैसी है वैसी ही भूल भुलैया 2 थी, और जैसी भूल भुलैया 2 थी सेम वैसी भूल भुलैया 3 भी है, कोई चेंज नहीं। बट तीसरे पार्ट में कुछ अलग है, तो वो है मंजुलिका की कॉपी, जो पूरी मूवी में कंफ्यूज करती रहती है कि रियल वाली मंजुलिका कौन है। ऑनेस्टली बोलूं तो भूल भुलैया 3 भूल भुलैया 2 से काफी अच्छी है यार। बट यही सिंघम अगेन की स्टोरी की बात करें तो भाई इसकी स्टोरी तो ट्रेलर में ही रिवील हो गया था, सेम वैसा ही है जैसा ट्रेलर देखने के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे। रामायण से रिलेटेड ये मूवी रामायण के पैरेलल में चलती रहती है। इट्स मीन मूवी में एक रामायण का शो होता है जिसे करीना कपूर होस्ट कर रही होती है। जैसे जैसे रामायण आगे बढ़ता है, ठीक उसके पैरेलल अजय देवगन एज अ राम उनकी रियल स्टोरी आगे बढ़ रही होती है जैसा ट्रेलर में था। स्टोरी के लिए जरा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सब पता है कि आगे होने क्या वाला है। बट ठीक इसके अपोजिट भूल भुलैया 3 जिसे ट्रेलर में ज्यादा रिवील नहीं किया गया, सो मूवी हमें ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी कि आखिर आगे होगा क्या। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट की असली मंजुलिका कौन है, और ये चीज मूवी को काफी हद तक बेहतर बनाती जा रही थी, जो सिंघम अगेन में देखने को नहीं मिला। और इन दोनों मूवी के बीच ये वाला सबसे बड़ा पॉइंट है कि सिंघम अगेन में हमें पता था कि आगे होने क्या वाला है, लेकिन भूल भुलैया 3 में हमें पता नहीं था कि आगे होगा क्या, सो हम एक्साइटेड थे कि आगे होने क्या वाला है। देखो सिंघम अगेन की पूरी मूवी सिर्फ कैमियो दिखाने में ही निकल गई, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर मूवी में से सारी कैमियो निकाल दे तो मूवी के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। और इस मूवी की हाइप भी कैमियो की वजह से ही थी, क्योंकि स्टोरी तो सबको पता था, बट लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे कि इतने सारे कैमियो को दिखाएंगे कैसे। और सीरियसली बता रहा हूँ, इतने सारे एक्टर को एक साथ स्क्रीन पे दिखाने में रोहित शेट्टी की फट गई यार, जिसके वजह से मूवी क्रिंजी वाइब देने लगी। बट सिंघम अगेन में हम कुछ लोगों की एंट्री को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि टाइगर श्रॉफ की एंट्री। सच्ची बताओ इनकी एंट्री मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी यार, आपका पता नहीं बट मुझे अच्छा लगा। और इसके साथ ही भाई अर्जुन कपूर की एंट्री, जब तक वो कुछ बोल नहीं रहे थे तब तक भाई इतना अच्छा लग रहा था। ये बात आपको भी पता होगा कि भाई ये एंट्री अर्जुन कपूर की ट्रेलर में ही देख लिया था, वैसे ही मूवी के अंदर है। अगर अर्जुन कपूर को बॉबी देओल की तरह डम बना देते तो और भी बेस्ट रहता, क्योंकि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लगा इससे अच्छा तो टाइगर श्रॉफ है। जब बात एक्टिंग की कर ही रहे हैं तो कार्तिक आर्यन की भी कर लेते हैं, क्योंकि इनकी मूवी हिट सिर्फ हाइप की वजह से होती है। कभी भी किसी भी मूवी में ये नहीं कहा गया कि ये मूवी कार्तिक आर्यन की एक्टिंग की वजह से हिट हुई है, क्योंकि कार्तिक आर्यन ना किसी भी करेक्टर को यूनिक वे में नहीं करते हैं, वो सारे मूवी में सारे करेक्टर को सेम ही तरीके से करते हैं। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में भी वही सेम करेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट भूल भुलैया 3 काफी अच्छी है कम्पेयर टू भूल भुलैया 2। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन एक नकली जादू टोना वाला रहता है जो भूत देख सकता है, पकड़ सकता है और बात कर सकता है, और इसकी वो अफवाह फैला के लोगों से बहुत लूटता है। फिर उसे तृप्ति डिमरी मिलती है जिसे एक घर बेचना होता है जो कभी बिकता नहीं है क्योंकि उसमें एक मंजुलिका रहती है, और तृप्ति डिमरी कार्तिक आर्यन से प्यार के बहाने एक डील करती है, 1 करोड़ मिलेगा अगर ये घर बिकवा दोगी तो। बस पूरी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। देखो ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि मूवी का अगला पार्ट तब अच्छा लगता है, उसकी हाइप तब बनती है जब उसका अगला पार्ट पिछले पार्ट से कनेक्ट होता है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता है। भूल भुलैया उसकी एक अलग स्टोरी है, भूल भुलैया 2
उसकी एक अलग स्टोरी है, भूल भुलैया 3 उसकी भी एक अलग स्टोरी है। सेम वही चीज सिंघम अगेन के साथ भी है, सिंघम उसकी एक अलग स्टोरी है, सिंघम 2 उसकी एक अलग स्टोरी है, सिंघम अगेन उसकी एक अलग स्टोरी है। भाई ऐसे नहीं होता है, यूनिवर्स तब अच्छा लगता है जब वो जाके एक पॉइंट पे मिलता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। करीना कपूर जिसे इसमें सिंघम की वाइब बना दिया है, तो वही करीना कपूर चुलबुल पांडे के साथ फेविक्विक से चिपका चिपकी खेलती है, कोई सेंस है? देखो सिंघम अगेन का बजट 350 करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें से उन्होंने 200 करोड़ की OTT डील कंफर्म की है। सो रिलीज होने से पहले 200 करोड़ तो रिकवर कर लिए, बट बजट पार करने के लिए अभी भी उन्हें 150 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगा। यही भूलभुलैया 3 का बजट देखे तो इसका बजट 150 करोड़ है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स बेचकर 135 करोड़ रिकवर भी कर लिए रिलीज होने से पहले। ऑलमोस्ट 15 करोड़ बचे हैं अपने बजट को रिकवर करने के लिए, जो इजिली हो जाएगा, और मेरा मानना है कि ये मूवी 200 करोड़ प्लस आराम से पार कर लेगी, जो सुपर हिट होगी। और आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों मूवी के बारे में? 1 नवंबर को दिवाली के दिन आपने इन दोनों मूवी में से कौन सा मूवी देखा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसे दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।